अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। एक आइडिया है जो काफी अरसे से मेरे जहन में ना बैठा हुआ है। मैंने खुद चलाना था लेकिन खुद नहीं चला पा रहा, सो नाउ कोई बंदा मिलता है, आप चला सकते हो। कॉस्ट इसकी कम है लेकिन यानी उसमें थोड़ा इट्स लाइक अगेन मजे नहीं, क्या कहते हैं, मस्के लगाने की बात है, ठीक है। वहां पे पाकिस्तान में अभी यूके में तो बाहर के मुल्क में रुझान हो रहा है वो स्वीट के रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें सिर्फ मीठा बिकता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, पहले बाजार में रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, फिर मस्के लगाने के लिए वो आते हैं खास रेस्टोरेंट्स जो जिनमें सिर्फ मीठा बिकता है, लेकिन उनका मीठा का एक खास एरिया का होता है, इलाके का होता है। जो मेरा आइडिया था ना वो ये था कि दुनिया भर के मीठे हों, सो आप 20 मीठे बेचो लेकिन उसमें क्या हो कि पाकिस्तान का एक हो, ठीक है। ये पाकिस्तान की दो कर लीजिए, यूके का वहां पे कम ही है, कोई खास मीठा है नहीं है, लेकिन आप फर्ज कीजिए किसी और मुल्क का एक चाइनीज का वो जो डंपलिंग होती है, स्वीट डंपलिंग ले लो, कोई इस तरह की आप ले लेते हो। ये ग्रीक की वो खीर होती है, वो हमारे पास भी खीर है, उनकी भी खीर होती है, आप उस किस्म का कोई ले लो, फिर ईरानियों का कोई ले लो, फिर अरबों का कोई ले लो, और वो पूरे का पूरा जो रेस्टोरेंट है ना वो मीठू का हो, और जो मीठू के पोर्शन है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, यानी कि एक बंदा 2-3 खा सके एक बैठक में, और वो भी खाने के बाद। सो वो उसको यानी कि वो सिकली क्या फीलिंग होती है, यानी वो उसकी तबीयत खराब ना होगी जी बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया। और दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर पाकिस्तानी है तो गुलाब जामुन, मैं मिसाल देता हूँ, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, छोटा सा गुलाब जामुन हो, थोड़ी सी उसके साथ ना एक चम्मच अपना वो हो आइसक्रीम, ताकि बंदा 2 चमचे लगाए और बोले यार बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खा लेते हो किसी चीज़ को तो फिर वो मज़ा नहीं रहता, एंड वो बात भी नहीं रहती कि जी मैंने और लेना है, और लेना है, और लेना है। ओके, सो दैट्स इट, ये लीजिए, ये कीजिए कि कोई सी छोटी दुकान की आपको ज़रूरत होगी, किराया देना पड़ेगा, रेहड़ी पर ये काम चलेगा नहीं, क्योंकि क्वालिटी है, कीमत थोड़ी अच्छी खासी रखनी है, कम नहीं रखनी, ये ऑलमोस्ट पॉश किस्म की चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें आप 20 चीज़ें ऐसे रखो दूसरे मुल्कों की, किसी की आई डोंट नो, मुझे मीठा नहीं आ रहा लोगों का जहन में, सो बट दैट्स एसेंशियली इट, ठीक है। बस ख्याल रखिएगा, अपना स्टडी को इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ गुड लो कॉस्ट एंट्री पॉइंट टू एंड यूनिक भी है टू एनी टू अ बिजनेस। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आजाद चाय वाला, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम चाय वाला, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है नीचे यूट्यूब के वो दबाना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे हो तो फिर भी आप youtube.com/azadchaiwala पे जाके प्लीज इस बटन को जरूर दबाइएगा। मुझे ना उर्दू का सबसे पहले 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बनाना है, और वो सिर्फ आपकी मदद से बना सकता हूँ। सो अगर कोई दादा मामा चाचा फुफरा हालू पड़ोसी भाई बहन भतीजा मिलता है तो उसके पास अगर YouTube का अकाउंट है, नहीं है फिर भी बना के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं हूं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, आपके थैंक यू का बहुत बहुत, आपके थैंक यू का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।